नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं टॉपिक फ्रेंच रिवोल्यूशन, और इसमें आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारे एक्सपर्ट की फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या है, कब हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण रहे इसके पीछे, आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आप हैं मिस यज्ञ सैनी बारेत, आप फॉर्मर PGT हिस्ट्री हैं द मदर इंटरनेशनल स्कूल से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। अपने सभी व्यूअर्स, यस मैम, हम अभी ये सेशन शुरू करेंगे, बस हम कुछ बातें अपने सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करें, इन केस उनके मन में कोई भी क्वेरी आए, कोई क्वेश्चन आए, अगर वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं इस चैप्टर में या पार्ट में कहीं पर अटक गए हैं, तो बच्चों आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल, हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in, और हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका पार्टिसिपेशन। और जब तक आपकी क्वेरीज हम तक आती हैं, चलिए मैम हम आपके पास आते हैं। यज्ञ सैनी मैम, जैसे हमने अपने सभी देखने वालों को बताया कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं, तो और क्या कुछ खास है आपके पास हमारे बच्चों के लिए मैम? देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो 18वीं सदी के अंदर था, तो हम ये सोच सकते हैं कि 18वीं सदी में हुआ एक पॉलिटिकल इवेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे, वहाँ से जो वैल्यूज निकली, उसने आगे की पॉलिटिक्स को, दुनिया के हर कोने की पॉलिटिक्स को उसने डिफाइन किया, इंस्पायर किया। इनफैक्ट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी 1946 के अंदर, तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी फ्रांसीसी क्रांति को इन्वोक किया और कहा कि भारत भी अब एक उस पुरानी, एक बहुत ही समृद्ध लेगेसी का हिस्सा बन रहा है, जहाँ पे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन का वर्ल्ड हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, हमारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, ऑफ ह्यूमन नो हिस्ट्री, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, और क्योंकि ये स्टूडेंट्स के कोर्स का भी हिस्सा है, शायद इसी को ध्यान में रख के इसे कोर्स का हिस्सा भी बनाया गया है। जी, तो मैम जैसा आपने कहा कि 18th सेंचुरी में हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट रहा, जिसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे पड़ा, इसलिए हम इसे आज भी पढ़ रहे हैं। तो मैम जब आपने बात किया कि 18वीं सदी का ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये पॉलिटिकल इवेंट है, तो उस समय का जो फ्रेंच सोसाइटी है उसके कॉम्पोजिशन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। ये एक बिल्कुल ही अहम चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए, और क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके जो रूट्स हैं वो उस फ्रेंच सोसाइटी में जो दिक्कतें थी या जो इनइक्वालिटीज थी, जो कमियां थी, उसी में से निकल के आती हैं। तो 18वीं सदी की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड थी। वो एक एस्टेट का सिस्टम था जिसमें फर्स्ट एस्टेट थी, सेकंड एस्टेट थी और थर्ड एस्टेट थी। ये इनफैक्ट मिडीवल टाइम से ही चलता आ रहा एक सिस्टम था, जो कि एक फ्यूडल सिस्टम था, एक सामंतवाद का हिस्सा था। तो फ्रेंच सोसाइटी में जो पहला एस्टेट था वो चर्च था, चर्च को सर्वोपरि स्थान दिया गया था, वो फर्स्ट एस्टेट माना जाता था। चर्च और चर्च के जो क्लर्जीमैन थे वो फर्स्ट एस्टेट में आते थे, सेकेंड एस्टेट में एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी आया करती थी, और जो थर्ड एस्टेट थी, जो कि सबसे बड़ी एस्टेट थी, उसमें फ्रांस की 90% जो जनता थी, जो पॉपुलेशन थी, वो थर्ड एस्टेट में थी। ये थर्ड एस्टेट जो थी ये बहुत ही वेरीड थी, ये बहुत डाइवर्स थी। इसमें किसान थे जो कि जिनके पास बहुत कम के पास खुद की ज़मीनें थी, बाकी रेंटेड फार्मर्स थे जिनको टेनेंट फार्मर्स बोला जाता है। इसमें सर्व्स थे और इसमें मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, इस तरीके का ये कॉम्पोजिशन था। तो फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो इस तरीके से इन तीन हिस्सों में डिवाइडेड थी। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमको नोट करनी है कि ये बहुत ही अनइक्वल सोसाइटी थी। इसमें जो ऊंच नीच थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। जो पहली और दूसरी एस्टेट थी वो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करते थे। सारा जो टैक्सेशन का बर्डन था वो थर्ड एस्टेट पे था,
रिसोर्सेज की जब बात करते हैं, जब हम ज़मीन की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थी उनके पास फ्रांस की जो सारी ज़मीन थी उसका लगभग 7% हिस्सा था, 60%। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऊंच नीच थी सोसाइटी के अंदर, ये बहुत ही स्टार्क थी। और इस तरीके की जो सोसाइटी थी जिसमें इस तरीके की सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, उससे धीरे धीरे लोगों में रोष बढ़ रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जस्ट पहले जब हम इवेंट्स को देखते हैं, तो उसमें इस सोसाइटी की जो इनइक्वालिटीज़ थी वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं आगे आने वाले इवेंट्स को लेकर। जी तमाम, ये तो आपने बताया कि अगर हम 18th सेंचुरी के फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो काफ़ी इनक्वालिटीज़ थी वहाँ पर उस समय पर, और अलग अलग दायरे थे, अलग अलग जो सोसाइटीज़ या हम क्लास कह सकते हैं उसमें। यहाँ पर अगर हम बात करें इनक्वालिटी की, आपने बात कही, तो उस समय पर जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे उन्होंने किस तरह से आवाज़ उठाई जो रूलिंग क्लास थे उनके अगेंस्ट मैम? जी, उस समय 18वीं शताब्दी में पहुंचते पहुंचते यूरोप के अंदर जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स और जो थिंकर्स थे, वो रूलिंग क्लास के एब्सोल्यूट पावर्स को क्वेश्चन करने लग गए थे। इसकी भी एक पूरी परंपरा थी जो यूरोप में रेनेसांस जो 16th सेंचुरी के अंदर होता है, वहाँ से निकली हुई ये परंपरा थी जिसमें इंसान को सेंटर में रखा गया और इंसान की सोच, रैशनल सोच, साइंटिफिक टेम्पर, इन चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई। ये धारणाएं बढ़ते बढ़ते हम 18वीं सदी में जब पहुंचते हैं, तो वहाँ पे ये इसको कहा गया एरा ऑफ एनलाइटनमेंट। इस एरा ऑफ एनलाइटनमेंट में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जैसे कि जॉन लॉक, रूसो, जॉन जाक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये बहुत ही अहम पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं। और ये अपनी राइटिंग्स के थ्रू डिफाइन कर रहे थे इंडिविजुअल की राइट को, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी राइट्स विजवी रूलिंग क्लास, विजवी द रूलर, किस तरीके से होनी चाहिए। अभी तक जो रूलर्स थे उनके पास एब्सोल्यूट पावर था, वो एब्सोल्यूट रूलर्स थे, उन्होंने जो चाहा वो कर सकते थे। इस तरीके के समाज में इंसान जो इंडिविजुअल है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, इसके ऊपर मंथन हो रहा था, इसके ऊपर लिखा जा रहा था, इसके ऊपर बातें हो रही थी। जैसे कि अगर मैं जॉन लॉक की बात करूं, तो जॉन लॉक का एक वर्क, बहुत ही फेमस वर्क है, टू ट्रिटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें जॉन लॉक क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग, कि राजाओं की को रूल करने का जो डिवाइन सैंक्शन की धारणा जिसको डेवलप किया गया था, कि ये तो भगवान से मैंडेट मिला हुआ है, जो राजा हैं वो भगवान का प्रतिबिंब है इस धरती के ऊपर, वो उसी को क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, राजा को भी प्रजा के अनुसार रूल करना चाहिए। फिर अगर हम रूसो की बात करें, तो रूसो ने एक बहुत ही फिनोमिनल वर्क लिखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करते हैं, कि जो गवर्नमेंट है वो लोग, समाज और जो गवर्न करने वाले एंटिटी हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे तब तक ही वो राज कर सकते हैं, जब वो लोगों के वेलफेयर को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे तो वो सत्ता से बाहर जाएं। तो इस तरीके के आइडियाज़ डेवलप हो चुके थे। ये जैसा कि मैंने पहले कहा, दिस वाज द एरा ऑफ एनलाइटनमेंट एंड दीज आइडियाज़ वर बीइंग डिस्कस्ड। और खूबसूरती की बात ये है कि 18th सेंचुरी फ्रांस में इस समय कॉफ़ी हाउसेस का एक कल्चर बना, जिसमें कि लोग इन बातों को डिस्कस करने लगे, इन बातों को पे चर्चा होने लगी और इस तरीके से आइडियाज़ फैलने लगे। दूसरी बात जो यहाँ पे नोट करने की है कि जब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति होती है, उसका थोड़ा बहुत असर यूरोप के और हिस्सों पर भी होने लगा। और फ्रांस में भी हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन के ही आसपास 18वीं शताब्दी में ही एक मिडिल क्लास इमर्ज होता है। ये मिडिल क्लास आज के मिडिल क्लास जैसा नहीं था, पर फिर भी ये मिडिल क्लास में वो लोग थे जिनको जो पढ़े लिखे थे और जिनको एक्सेस था नॉलेज का। ये मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, लॉयर्स थे, इस तरीके के लोग मिडिल क्लास में आए। और क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई का एक्सेस था, तो जो ये फिलोसोफर्स के आइडियाज़ थे उनको उन्होंने रेडिली एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास थी, ये मिडिल क्लास भी थर्ड एस्टेट में आ गई, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर अब ये है कि अगर आपको ऊपर पहुंचना है, अगर आपको सोसाइटी के अंदर ऊपर पहुंचना है, तो आप एक पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न होंगे, जो कि दिस वाज द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ। तो मिडिल क्लासेस ने इस पूरे प्रिविलेज बाय बर्थ को क्वेश्चन किया कि
प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, इंसान को उसकी मेरिट के आधार पे मौके मिलने चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो रेवोल्यूशन ये जो थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इनके आइडियाज़ को मिडिल क्लासेस ने बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस किया और इन्हीं मिडिल क्लासेस ने आगे जाके इस रेवोल्यूशन को एक लीडरशिप दिया जी। तो मैम ये तो बात ही पॉलिटिकल फ़िलोसोफर्स की, जिन्होंने आवाज़ उठाई, जिन्होंने अपनी बातें बुलंद की। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था मैम? फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो साल है, जिस साल ये सारी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हुई, ये सरगर्मियाँ बढ़नी शुरू हुई, वो था 1779 का साल। 1779 का साल एक बहुत ही अहम साल है। लुई 16 इस समय फ्रांस का राजा था, वो बर्बन डायनेस्टी से आया हुआ था और इस समय फ्रांस की जो माली हालत थी, जो इकोनॉमी थी, वो काफ़ी क्राइसिस के अंदर थी। उसके कुछ कारण थे। एक तो राजाओं ने जिस तरीके से अपने कोर्ट्स को मेंटेन कर रखा था, पैलेस ऑफ वर्साई में जिस शानो शौकत से वो रहते थे, इट वॉज़ अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट। फ्रांस का ब्रिटेन के साथ एक पुरानी राइवलरी चलती आ रही थी, जिसके चलते फ्रांस और इंग्लैंड ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उन कंटिन्यूस लड़ाइयों का भी एक इम्पैक्ट ट्रेजरी पे हुआ और फ्रांस की इकोनॉमी के ऊपर हुआ, तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति में फ्रांस ने अमरीकियों का साथ दिया क्योंकि ब्रिटेन उनका एक कॉमन एनिमी था। तो इन सारी वॉर्स का और एक एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल का असर ये हुआ कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही गड़बड़ थी। तो लुई 16 ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। उसे टैक्सेशन बढ़ाना था, उसे टैक्सेस बढ़ा के और स्टेट की इनकम को बढ़ाना था। तो राजा, फ्रांस के राजा एकदम से टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे, उनको एक एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ये एस्टेट्स जनरल क्या थी? ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट्स के नुमाइंदे यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स आया करते थे और फिर डिसीशन लिया जाता था। पर इसमें एक बहुत ही बड़ा लूप होल था। इसमें लूप होल ये था कि एस्टेट्स जनरल में जो रिप्रेजेंटेटिव थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एस्टेट के, 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकेंड एस्टेट के और 600 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो थर्ड एस्टेट के आते थे, पर वोट हर एस्टेट का एक था। इसलिए कोई भी डिसीशन लिया जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट आपस में एकता करके और थर्ड एस्टेट के किसी भी मुद्दे को दबा दिया करते थे। तो इस साल 1789 में जब लुई 16 ने मई के महीने में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग को बुलाया, तो वहाँ पे थर्ड एस्टेट के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि ये जो आपका वोटिंग सिस्टम है नहीं चलेगा, आप हर नुमाइंदे को, हर रिप्रेजेंटेटिव को आप वोट दीजिए, ना कि हर एस्टेट को कलेक्टिव वोट दीजिए। और जब इस बात को नहीं माना गया तो थर्ड एस्टेट वाले बॉयकॉट करके चले गए। बॉयकॉट करके उन्होंने बाद में एक नेशनल असेंबली बनाई। जून के महीने में 1789 को उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और उन्होंने कहा कि हम खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे और जो राजा के पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आना चाहिए। सो यही गतिविधियाँ, ये जो गर्मियों के महीने थे फ्रांस में 1789 में, तो इस समय ये सारी सरगर्मियाँ बढ़ रही थी, इस समय ये सारे इवेंट्स हो रहे थे और ये साल फ्रांस के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा साल था, क्योंकि इसमें जो विंटर्स थे वो बड़े हार्श हुए थे, जिससे कि उस साल की जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी। फसल ख़राब होने की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, ब्रेड का जो दाम था, जो कि वहाँ पे स्टेपल था, लोग ब्रेड खाते थे, वो बढ़ गए थे और गरीब लोगों के लिए खाना जुटाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो एक तरफ तो एस्टेट्स जनरल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी और दूसरी तरफ फ्रांस की जो कंट्री साइड थी, जो इलाके थे, जो रूरल कंट्री साइड थी, वहाँ पे लोगों को अपनी डे टू डे जिंदगी बिताने में बहुत ही मुश्किलात आ रही थी। इसका एक रिजल्ट ये होता है कि 14 जुलाई को पेरिस के अंदर जो बेस्टील का प्रिजन था, जो कि एक फोर्ट्रेस को प्रिजन बनाया गया था, उस प्रिजन को लोगों ने अटैक कर दिया। वो उस प्रिजन को भी एक सिंबल की तरह देखते थे, वो ऑटोक्रेसी का सिंबल था, वो राजा की ज्यादतियों का सिंबल था और उसको तोड़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है जी। तमाम ये तो वो सारी चीज़ें रहीं जिन्होंने मिल करके फ्रांसीसी क्रांति को शुरू किया और ये सब घटनाएं रहीं। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे अबाउट प्रिंट कल्चर, कि प्रिंट कल्चर ने कैसे बढ़ावा दिया मैम इस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसको स्प्रेड होने में, मैम क्या रोल रहा प्रिंट कल्चर का?
जी, प्रिंट कल्चर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसा कि हमने बात की थी कि फिलोसोफर्स थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, इनके जो आइडियाज़ थे, ये आइडियाज़ फैले कैसे, लोगों ने इनको कैसे जाना, तो प्रिंट कल्चर, क्योंकि इस समय तक आते आते 18वीं शताब्दी, हम बात कर रहे हैं 1700 1789 की, मतलब कि 18वीं शताब्दी अब ख़त्म होने को है। यहाँ इस दौर तक आते आते यूरोप के अंदर प्रिंट कल्चर फैल चुका था। 15वीं शताब्दी के अंदर गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस इजाद की थी। प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू सबसे पहली किताब जिसको प्रिंट किया गया वो बाइबल थी, उसके 150 कॉपीज प्रिंट हुई थी। और इस नई टेक्नोलॉजी के वजह से ये हुआ कि नॉलेज लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई। उससे पहले चर्च ने और जो समाज का ऊपरी तबका था उसने नॉलेज के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। तो प्रिंट प्रेस के इन्वेंशन के साथ ये हुआ कि कई तरीके के टेक्स्ट अब बिकने शुरू हुए, पढ़े जाने लगे। ट्रांसलेशन, बाइबल क्लासिकल भाषाओं में लिखी हुई एक टेक्स्ट है, उसको और भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट किया जाने लगा। तो जब हम 1789 तक पहुंचते हैं तो जिन फिलोसोफर्स की हम बात कर रहे हैं, अब प्रिंट इतना एक्सेसिबल हो गया था कि पैम्फलेट्स छपने लगे, प्लेज लिखे जाने लगे, कहानियों के थ्रू क्रांति के जो आइडियाज़ थे वो लोगों तक पहुँचने शुरू हुए। अगर ये आइडियाज़ सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाते तो फ्रांस की क्रांति नहीं हो पाती। प्रिंट की वजह से ही इस तरीके के जो आइडियाज थे, जो राजा के पावर को क्वेश्चन कर रहे थे, वो लोगों तक पहुंचे। तो प्रिंट ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया था फ्रांसीसी क्रांति में। जी तमाम, ये तो बात रही प्रिंट कल्चर की। हम देखते हैं कि प्रिंट ने जहाँ भी क्रांतियाँ हुई हैं वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब अगर बात करें महिलाओं की, विमेन रोल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उनका क्या रोल रहा मैम? महिलाएं जैसे हर हर समाज का, किसी भी समाज की हम बात कर लें, महिलाएं उसका एक बड़ा हिस्सा है, उसका आधा हिस्सा है। उसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी महिलाएं जो थीं वो इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा थीं। जो थर्ड एस्टेट की महिलाएं थीं वो खेतों में काम करती थीं, वो कपड़े बनाती थीं, दर्जी का काम किया करती थी, वो कपड़े धोया करती थीं, और वो बड़े घरों के अंदर जो संभ्रांत परिवार थे उनके घरों के अंदर वो सर्वेंट्स का काम करती थीं, या कहीं कहीं की जगह महिलाएं डेली वेज अर्नर्स भी थीं। महिलाएं भी जो उस समय की परिस्थितियां थीं उनसे बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1789 का जो साल था वो बहुत ही मुश्किल भरा साल था, तो उसमें औरतें बाहर काम भी कर रही थीं पर वो अपने परिवारों को भी संभाल रही थीं, और घंटों घंटों उनको ब्रेड के लिए लाइन में लगना पड़ता था और फिर वो थोड़ा सा ब्रेड लेके आती थीं। तो महिलाओं ने भी बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही करीबी से इन चीज़ों को महसूस किया। फ्रांस की क्रांति के अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम देखते हैं कि महिलाओं ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। एक ऐसी ही क्लब का नाम था सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, और महिलाओं ने अपने हक माने मांगे। हुआ ये कि क्रांति के बाद में भी महिलाओं को इक्वल स्टेटस नहीं मिला, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, और ये जो नेशनल असेंबलीज या इस तरीके के जो भी आगे फोरम्स बने उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो बिल्कुल नहीं होने दिया गया। तो महिलाओं ने बाहर से अपने आवाज़ें बुलंद की और इस तरीके की सोसाइटीज़ और फोरम्स बना के, उस समय काफ़ी महिलाएं जो कि थर्ड एस्टेट की, जो कुछ इस तरीके के मिडिल क्लास परिवारों से थी, वो पढ़ी भी, और फिर उन्होंने अखबारों के थ्रू अपने जो व्यूज़ थे उनको आगे रखा। सबसे इम्पोर्टेंट, महिलाओं ने ये कहा कि हमें पॉलिटिकल बींग्स, कि हम भी राजनीतिक बींग्स हैं, हम भी राजनीति को समझते हैं और हमें इक्वल समझा जाए। तो 1789 में जितने इवेंट्स हुए उसमें हम देखते हैं उस समय के जो सोर्सेज हैं, जो आर्काइव हैं, कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पर जहाँ तक बात उनके पॉलिटिकल राइट्स की आई, तो उसके लिए महिलाओं को 200 साल का इंतज़ार करना पड़ा। महिलाओं को अलग से सफ्रजेट मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा जिसमें कि उन्होंने वोटिंग राइट्स मांगे, और फ्रांस के अंदर 1946 में ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। जी तमाम, ये तो उन्हें जो राइट है वो बहुत लेट मिला था। पॉलिटिकल राइट की अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, आपने कहा। अभी भी हमारे पास 2 से 3 मिनट और हैं इस सत्र को वाइंड अप करने के लिए। क्या कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप हमारे सभी व्यूवर्स के साथ दोहराना चाहेंगे मैम? जी, एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो फ्रांस की क्रांति के बाद होती है वो स्लेवरी
जो दास प्रथा थी उसको अबॉलिश करते हैं वो लोग। अच्छा, फ्रांस की क्रांति में भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग आए हैं। पहले 1789 में जो क्रांति होती है उसके बाद नेशनल असेंबली बनती है। नेशनल असेंबली के बाद भी एक दौर आता है जब कन्वेंशन की गवर्नमेंट बनती है। ये जो कन्वेंशन की गवर्नमेंट थी ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी। इसी गवर्नमेंट के अंडर में फ्रांस एक रिपब्लिक भी बनता है, थोड़े से समय के लिए रिपब्लिक बनता है, और सारे मर्दों को वोटिंग के अधिकार दिए जाते हैं। जबकि इससे पहले जो वोटिंग का अधिकार था वो मर्दों की आर्थिक स्थिति के ऊपर दिया जाता था। तो ये जो कन्वेंशन की सरकार आई इसने एक और अहम काम किया जिसमें था दास प्रथा को खत्म करना। कैरेबियन में फ्रांस की कॉलोनीज थी, इन कॉलोनीज में तंबाकू उगाया जाता था, कॉफ़ी उगाई जाती थी, चीनी उगाई जाती थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उनकी इकोनॉमी के लिए। तो ये जो कन्वेंशन की सरकार आई 1792 में, इन्होंने जो अफ्रीकन स्लेव्स थे जिनको एनस्लेव करके इन कैरेबियन कॉलोनीज के अंदर इन प्लांटेशंस पे काम करवाया जाता था, इसको उन्होंने खत्म किया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो कन्वेंशन की सरकार ने फ्रांस में किया वो औरतों को शिक्षा का अधिकार दिया, कि सारी औरतें किसी भी तबके से वो आएं उनको शिक्षा का अधिकार है, और उनके लिए एजुकेशन को कंपलसरी किया गया। शादी को एक लीगल स्टेटस दिया गया और उसको सिविल लॉ के अंडर लेके आए। और इवन व्हेन वी टॉक अबाउट डिवोर्स, डिवोर्स वाज आल्सो समथिंग दैट कुड बी इनिशिएटेड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। तो ये तो बात रही चेंजेस की जो इस रेवोल्यूशन के बाद आए, और डेफिनेटली इसने एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमारे सामने लाया और जिसने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया। मैम यहाँ पर क्योंकि हम अब इस सत्र को वाइंड अप करना चाहते हैं, यहाँ पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इतनी अच्छी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू अपने सभी देखने वालों को हम ये कहेंगे कि हम बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे, ये सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था। एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे जो कि मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट वन, और एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग NCERT टेक्स्ट बुक्स। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023 और 2024 के लिए NCERT की टेक्स्ट बुक्स देश भर में उपलब्ध हैं। आप ये पाठ्य पुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है। ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे, पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। और यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पर जो है ncertbooks.ncert.gov.in। ये सभी पाठ्य पुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी। और अगर आप इसका PDF वर्जन चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट जरूर करें ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार।